संस्थापक अध्यक्ष शबाना खान मैडम हमारे साथ है। जिस तरीके से 12 दिसंबर 2023 को पूर्णा में एक युवती के साथ उसकी शारीरिक छेड़ करके जिस तरीके से 376 313 के तहत गुना दाखिल हुआ था, आज भी वो आरोपी फरार है और वो उस तारीख आज 18 दिन हो गए उस केस को, फिर भी वो आरोपी और उसके अलावा भी जो आरोपियों के नाम दिए गए हैं उनको तक अटक नहीं किया गया। ये पुलिस का एक पहली बार नहीं कि आइंदा हर बार देखा गया है कि किस तरीके से पुलिस की लापरवाही है। और आज वो पीड़ित को इंसाफ देने के लिए आज महिला मंडल के अध्यक्ष उमर खेड़ के सामाजिक कार्यकर्ता शबाना खान मैडम हमारे साथ है, आज हमारे ऑफिस में आए और इन्होंने भी उस युवती को, पीड़ित युवती को जिस तरीके से हेल्प करने का वादा किया है और इन्होंने निवेदन भी दिए हैं कि इन आरोपियों को अटक किया जाए, इसके अंदर कुछ पुलिस कर्मचारी है, कोई राजकीय लोग हैं, इन पे भी गुनाह दाखिल करो, ऐसी इनकी मांग है। आज हमारे साथ इनसे जानते हैं कि किस तरीके से ये प्रकरण को इन्होंने देखा है और उसके लिए क्या करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम। सत्य निर्मति महिला मंडल मेरी संगठना है, मैं संस्थापक हूँ सत्य निर्मति महिला मंडल संगठना की और मेरे पूरे महाराष्ट्र में मेरे शाखाएँ हैं इसकी और मेरे साथ में हज़ारों महिलाएं जुड़ी हुई हैं और ये हम काम हमारा महिलाओं को इंसाफ दिलाना ही है, फिर वो चाहे घरेलू इंसाफ हिंसा हो या फिर बाहर ऐसा सामाजिक हिंसा हो, कोई भी हिंसा के लिए हम महिला के साथ में हैं। जी भाजी, जिस तरीके से पूर्णा में एक वाक़ पेश आया जिसमें 376 के तहत वो बच्ची के साथ में कुछ लोगों ने धोखाधड़ी की है, तो इस के जीवन में आपने, आपकी महिला संगठन के आप अध्यक्ष और सामाजिक कार्य करते हैं, तो आपने इसमें उस घटना को लेकर क्या निवेदन दिया? हमने इस घटना को लेकर ये निवेदन दिया है कि जल्दी से जल्दी आरोपी को अरेस्ट किया जाए। आरोपी के साथ में कई लोगों के नाम दिए गए हैं, अभी तक पुलिस ने उनके ऊपर इंक्वायरी करी नहीं, उनको बुलाकर पूछताछ नहीं किया गया और वो बच्ची को आज भी धमकियां आ रही हैं, आज भी वो बच्ची को डराया जा रहा है कि वो FIR वापस कर लो, केस वापस लो बोलकर। इसलिए हम वो बच्ची को पूरा समर्थन देने वाले हैं और इंशाल्लाह 2 तारीख तक अगर पुलिस वालों ने अगर अरेस्ट नहीं किए आरोपियों को तो 2 तारीख को हम धरना आंदोलन करेंगे और ये पूरा समर्थन हमारा पूरा NGO इसके साथ में रहेगा। कई महिलाएं तैयार हैं इस आंदोलन के लिए क्योंकि जब तक लड़कियां और औरतें इंसाफ के लिए रोड पर नहीं आती है तब तक हमारे लड़कियों को इंसाफ नहीं मिलता है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये कर रहे हैं और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इसमें अगर बच्चियों को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो फिर उसमें क्या करेंगी गवर्नमेंट? इसलिए रास्ते पर उतरना हमको मजबूर हो गया, हम वो लड़की को लेकर आंदोलन करेंगे और इसके आगे भी अगर वो लोगों ने कड़ा एक्शन नहीं लिया तो हम कड़े से कड़ा कदम उठाएंगे। भाई, जिस तरीके से आपने देखा है कि ऐसे कहीं भी युवती पे ऐसा अत्याचार होता है तो इसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कई बार आरोपी को पहले अटक किया जाता है और फिर FIR फाड़ जाता है, मगर ये आज 18 दिन हो गए, 12-12 की ये घटना है, 12 दिसंबर 2023 की, आज 18 दिन हो गए, आज 30 तारीख है, अभी तक नहीं पकड़ेगा, तो इसमें क्या लगता है कि पुलिस के कहीं? आरोपी का कहना है कि भाई मेरे पास में इतना पैसा है, मैं हर किसी को खरीद सकता हूँ, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से लेके मेरे पास में राजनीति है, राजनीति के पॉलिटिक्स के दबाव पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो उस युवती ने हमारे को भी जैसे हेल्प के लिए मांगे, रिक्वेस्ट की थी कि हमारी हेल्प करो, हमारे पास में भी ऐसे कई कॉल्स आए कि आप आपका ले लो और बाजू हट जाओ, हमको भी रिश्वत देने की कोशिश की गई कि आप रिश्वत लेकर बाजू हट जाओ, वो लड़की का क्या है वो हम देख लेंगे, वो लूज कैरेक्टर है, जब ये लड़की इंसाफ मांगने को जाती है तो उसके ऊपर कैरेक्टर पर उंगली उठाई जाती है। तो ये मेरे एक निवेदन है पूरे सरकार से कि आप लोग एक तरफ तो बोल रहे हैं कि बेटी के लिए आप आगे बढ़ो और ऐसी कुछ घटनाएं घटती है कि हम आपके साथ में हैं, पर जब तक धरना नहीं होता, रैली नहीं निकलती, आंदोलन नहीं होता, तब तक वो युवती को इंसाफ नहीं मिलता। तो मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि पुलिस के पास में जब एक महिला आती है पूरी मजबूरी और पूरे इससे परेशान होकर पुलिस की हेल्प लेने आती है तो पुलिस ने भी ईमानदारी से उसका हेल्प करना चाहिए, यही बस रिक्वेस्ट है आपकी हमारी। और अगर ये रिक्वेस्ट में आप लोग काम नहीं करते हैं तो फिर इसके बाद में हमको कड़ा से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और कायदा अगर हमने हाथ में लिए तो इसके जिम्मेदार पुलिस रहेगी। कौन था आरोपी वो, जैसा आपको कुछ उसके बारे में हुआ? जमीर उसका नाम है, जमीर हसनुल नाम है उसका बच्चे का वो, और वो बच्ची के साथ में 4 साल से उसने कांटेक्ट किया, उसके साथ में धोखा किया कि पहले तो बताया नहीं कि शादी हुई बोलकर, फिर उसके बाद में उसके साथ में प्यार मोहब्बत की बातें करके उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया, इमोशनल ब्लैकमेल करके उसको नशे की दवाएं दे के उसके साथ में शारीरिक संबंध किया, फिर शारीरिक संबंध के बाद में उसको जो प्रेगनेंट रह गई तो उसको धोखे से ले जाकर अबॉर्शन कराया कि मैं शादी करता हूँ बोलकर, और उसके बाद में जब लड़की ने आवाज़ उठाना चालू करी तो उसके घर वालों को धमकाना, लड़की को धमकाना, जान से मारने
की कोशिश धमकी देना, फिर आप तो उसको एसिड डालने की धमकी दे रहे कि अभी तेरा चेहरा ख़राब कर देंगे, क्या कर लेंगी तू, अभी तक तूने रिपोर्ट दी तो हमारा क्या हो गया। अभी भी उसके फ़ोन चालू है, पुलिस वालों को ये सब मालूम है कि उसका फ़ोन चालू है, लोकेशन पता है, फिर भी पुलिस उसका अरेस्ट नहीं कर रही। उसके मम्मी पापा को बुलाकर पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी किया गया और छोड़ दिया। गाड़ी जब्त करने के लिए उनको भेजा गया था, पुलिस वाले गए थे गाड़ी पर, गाड़ी उन्होंने खुद नहीं लेकर आए, पुलिस आरोपी खुद गाड़ी धो धा कर उनको ला कर दे रहा है। यानी कि इसका ये मतलब है कि पुलिस उनके साथ नहीं, पूरे तरीके से उनका सपोर्ट कर रही है आरोपी का। जिस तरीके से एक चीज़ और देखने में आती है कि जब भी कोई घटना होती है तो उसमें जो इतर लोगों को है उसके नाम डाले जाता है, उनको उठाया जाता है, और जब ये जैसा आप बता रहे कि प्रेगनेंसी का जो हुआ उसके साथ में जो धोखाधड़ी हुई, तो उसमें कहीं लोगों का रोल है कहते हैं, जिसमें राजकारणी है, कुछ पुलिस है, दवाखाना है, लॉज है, ये लोगों को क्यों सहूलत मिल रही है, इन अभी तक वो क्यों नहीं आया। एक महिला के पास एक तपास है, एक महिला को जो तो इंसाफ नहीं मिल रहा और वही महिला पर लोग तोहमत लगा रहे, और ये बाकी जो लोग हैं इनका तक क्यों नहीं पहुँच रही, क्यों डीले हो रही है। पहली बात तो कैसा है, ये जो आरोपी के साथ में जो उसके खुद के दोस्त थे जो उसके साथ में रात दिन रहने वाले थे, आरोपी का पूरा सपोर्ट किया उन्होंने, और लड़की के घर पे तक जाके उसको बताया गया, उसको धमकी दी गई वो लड़कों ने कि तू ऐसा कुछ मत करना, और अगर ऐसा कुछ करेंगी तो तेरा कुछ होने वाला नहीं, हमारे पास में बहुत सारा पैसा है, हम पैसे की बुनियाद पर कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि सही उसने जो बोला कि मैं पैसे की बुनियाद पर कर सकता हूँ बोलकर, आज तक भी एक भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया गया। पुलिस वाले भी एक आरोपी का साथ दे रहे, कलमनूरी पुलिस स्टेशन में उनका जॉब है, और वो भी पुलिस स्टेशन में आके वो लेडीज़ के खिलाफ में बात करने लगे, पर उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाने के पास में क्या, इनके पास में कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो बच्ची का, जो ये लोग इनके बच्ची के ऊपर कैरेक्टर का उंगली उठा रहे। तो इसमें कहीं ना कहीं है ना, अपना समाज भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जब ऐसा कुछ लड़की के साथ में होता है और लड़की जब बाहर आती है तो लड़की पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। आज 18 दिन हो गए, 18 दिन से आरोपी फरार है, बेफिक्र घूम रहा, घर लड़की के घर वालों को धमकियां भी दी जा रही, फिर भी पुलिस एक्शन नहीं ले रही, और पुलिस कर्मचारी जो है, जो इनके इंचार्ज है, वो लेडीज़ कर्मचारी है, वो लेडीज़ कर्मचारी होने के बाद में भी अगर वो लेडीज़ का दुख नहीं समझ सकती होंगी तो फिर हम किसके पास जाएंगे। इसलिए हमारा पूरा समर्थन ये महिला को है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से आपने कहा कि उस महिला के लिए हम आवाज़ उठाने वाले, तो अल्टीमेटम दिए आपने 2 तारीख तक, आज 30 है, 3 दिन बाकी है, तो क्या है अल्टीमेटम में क्या करने वाले? अब ये अल्टीमेटम में ये करने वाले हैं कि हम धरना आंदोलन करने वाले हैं 1 दिन का पूर्णा पुलिस स्टेशन के सामने, और अगर ये पूर्णा पुलिस स्टेशन वालों ने अगर ये होने 2 तारीख तक भी अगर आरोपी अरेस्ट नहीं किया, फिर उसके बाद में हम कड़ा से कड़ा एक्शन लेंगे, हम कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठेंगे, हम SP ऑफिस के सामने बैठेंगे, हमको जहाँ तक भी हमको जाना रहेगा हम वहाँ तक पहुँचेंगे ये महिला को इंसाफ दिलाने के लिए। ये थे हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता शबाना खान मैडम। जिस तरीके से इन्होंने कहीं महिलाओं को आज तक न्याय दिलाया है, और ऐसी पीड़ित जो है ये खास करके इनके लिए मैदान में उतरते हैं, मगर कुछ आरोपी गुनहगार लोग जो है अपने पैसों के बलबूते पर पुलिस को तक खरीद लेते हैं, और कोई राजकीय दलाल जो रहते हैं वो अपने कुछ पैसों के लिए किसी की भी बहू बेटी के साथ में नाइंसाफ़ी करते हैं। उनको भी समझना चाहिए कि ऐसे कहीं वाक़ हुए हैं नांदेड़ हो या कहीं महाराष्ट्र में, कि जो जहेज के लिए, पैसों के लिए, चंद छोटी बातों के लिए बच्चियों का कत्ल कर दिया गया है, ऐसे कहीं लोग आए हैं। इनको पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए 2 तारीख के दिन जो है पूर्णा पुलिस स्टेशन के सामने एक आंदोलन का आगाज़ किया है, और देखना चाहिए कि पुलिस वाले इसके अंदर आरोपी को तत्काल अटक करते हैं या नहीं, ये देखने की बात है।